जैसे बेबी 6 मंथ का होता है तो बच्चे को अब ऊपर का खिलाना शुरू करना है, यानी कि बच्चे को सॉलिड फूड देना अब शुरू करना है। बच्चे की जो अब नीड्स हैं वो ब्रेस्ट मिल्क से पूरी नहीं होंगे, अब बच्चे को कुछ सॉलिड चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो होती है सेरेलेक। बनाना नहीं पड़ता है, बस पानी में घोलो या दूध में घोलो और बच्चे को खिला दो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सेरेलेक के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ, कितना दें, कब से दें, कितनी बार दें दिन में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रेशू, आप सभी के साथ, आप देख रहे हो रेशू बेबी केयर यूट्यूब चैनल। कमेंट्स में मुझे जरूर शेयर करें कि आप मेरा ये वीडियो किस सिटी है या किस गांव से देख रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी बेटी ज़्यादा सेरेलेक में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, उसने ज़्यादा सेरेलेक नहीं खाया। होता है भाई, अपने अपने बच्चे का मूड होता है, लेकिन मेरे बेटे ने, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सेरेलेक खाया है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको बच्चे को सेरेलेक केवल 6 मंथ प्लस होने पर ही देना है। इससे पहले बच्चे को सेरेलेक देने की गलती बिल्कुल ना करें। जब आपका बच्चा 6 महीने कंप्लीट कर लेता है तब से आपको बच्चे को सेरेलेक देना चाहिए। अब बात करें कितना, तो आपको एक बार में बच्चे को शुरुआत 1 चम्मच सेरेलेक से ही करना चाहिए। उसी में एक स्पून होती है, सेरेलेक में ही आती है, तो 1 स्पून एक बार में ही बच्चे को खिलाइएगा। ज़्यादा मात्रा में मत खिलाइएगा, क्योंकि फिर बच्चा ज़्यादा खाने से वोमिट कर सकता है और बच्चे का डाइजेशन अभी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ है कि वो ज़्यादा सेरेलेक डाइजेस्ट कर पाए। अब आते हैं जैसे कि कितनी बार खिलाना चाहिए। तो जरूरी नहीं आप पूरे दिन ही बच्चे को सेरेलेक खिलाओ हर बार। सेरेलेक के साथ और भी बच्चे के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, ओट्स, राइस, साथ ही कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी ज़रूरी हैं। तो आपको जो बच्चे को सेरेलेक खिलाना है वो केवल और केवल दिन में 1 से 2 बार ही खिलाना है। जब आपको लग रहा है कि आप बिजी हो, कुछ बना नहीं पा रहे हो, मतलब एक इमरजेंसी वाला ऑप्शन इसको रखना है आपको कि अभी फ्री नहीं हूँ, कुछ बना नहीं पा रही हूँ, बच्चा भी भूखा है, तो आप उस टाइम पे बच्चे के लिए सेरेलेक का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। फ्री हो, आप सोच रहे हो बच्चे के लिए मैं बना सकती हूँ, तो बच्चे को आप जो मैंने बताया जैसे कि दाल, दलिया, खिचड़ी, ओट्स वगैरह ज़रूर खिलाएं। साथ में फ्रूट्स में जैसे कि फ्रूट्स की प्यूरी बनाकर बच्चे को आप खिला सकते हो। वेजिटेबल में आप कद्दू की, गाजर की प्यूरी, आलू भी आप बच्चे को खिला सकते हो। तो सेरेलेक ही आपको ऑल टाइम बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए, साथ में और ऑप्शन भी बच्चे के लिए रखना चाहिए। सेरेलेक जैसे कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कुछ भी बना के ले जाते हो तो वो फ्रेश नहीं रहता, तो आप सेरेलेक बच्चे को ट्रैवलिंग में खिला सकते हो, अच्छा ऑप्शन होता है। सिंपल पानी में बोलकर आप अपने बच्चे को दे सकते हो। तो और भी कोई डाउट है आपके मन में सेरेलेक को लेके तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।